हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भीम कुमार शर्मा, एकता वुड कार्विंग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक डिज़ाइन लेके आए हैं सागवान लकड़ी में, और देखने में साधारण सा डिज़ाइन है लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। और मेहनत जहाँ पे है वो चीज़ हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर मेरा कलाई है, बायां हाथ का कलाई, उस जगह पे छोटे छोटे फूल और हाफ राउंड बीट बनाने हैं। बस वही मेहनत है, बाकी बहुत आसानी से मतलब इस डिज़ाइन को हमने बना लिया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम ड्राइंग का काम है सो चालू किए हुए हैं और मार्किंग कर रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर। मेरा सेम प्रोसीजर रहता है, पहले लकड़ी में डिज़ाइन बनाओ, फिर उसके बाद प्लास्टिक पे उसको कॉपी करके अपोजिट साइड में उसको पेस्ट कर लेते हैं कार्बन के ज़रिए। तो दोस्तों, इसमें जो ये बीच वाला जो गोला बन रहा है, इसको हम डायरेक्ट रोटर से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर में जो छोटा सा गोल बना है जिस पे पत्ता लगा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट हम हाफ राउंड बीट है सो मतलब लगा कर उसी को गोल करके बनाएंगे। इसका यदि काम का डीपली बात किया जाए कि कितना डीप करके हम इसको बनाएं, तो आपको हम एक बार में क्लियर कर दे रहे हैं कि इंची टेप के हिसाब से जो हमारे 1 इंच में 8 सूता होता है, टोटल हमने इसको 6 सूता डीप करके बनाया है। क्योंकि लकड़ी जो है सो पक्का 1.5 इंच मोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा डीप करके इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। और आप हमारे जो थंबनेल में जो आप फोटो देख रहे हैं, कस्टमर ने हमारे साथ थोड़ा सा डील ये किया था, एक तरफ से हमें चैलेंज दिया था कि हमको सेम डिज़ाइन ही चाहिए, सेम डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट था दोस्तों। तो पूरा जी जान लगा के इसको हम सेम बनाने का कोशिश किए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा कि हम किस तरीके से किस प्रोसीजर से काम को किए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहें। और आपके कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा है सो 1500 का सब्सक्राइबर फैमिली पूरा हो गया है हमारे चैनल पर। तो इसी तरीके से आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे दोस्तों, बस यही कामना है। तो चलिए, इसका ऑपोजिट साइड में इसको अब हम कॉपी करते हैं। तब तक मैं एक बारीकी हम बता दें कि इसमें जो अभी जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, रेड पेन से उसको मार्क कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लास्टिक पर रेड पेन चला रहे हैं हम। वहाँ पे मार्कर, काला मार्कर या ब्लू मार्कर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह है, थोड़ा पतला पतला लाइन रहता है तो बहुत आसानी से काम करने में अच्छा लगता है। मार्कर का क्या है कि थोड़ा सा मोटा लाइनिंग होता है वो, इस वजह से। तो देखिए, जस्ट ये वाला तो हो ही चुका है, अब इसका ऑपोजिट साइड में इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक को लगा दिए हैं और कार्बन को सेट कर रहे हैं। करने के बाद इसको हम ऐसे कॉपी करेंगे किस तरीके से, वो आप देखिएगा। बीच का गोला है सो कंपास, जिसको परकाल कंपास कहते हैं, उसके हिसाब से हमने गोल कर लिया था। बाकी सबको हम कॉपी किए जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव टाइप का लगेगा, कुछ ज़रूर आप सीखिएगा इसमें, आशा करते हैं। तो चलिए, वीडियो के अंत में मिलते हैं दोस्तों। किस तरह का डिज़ाइन बना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
देख सकते हैं ये जो बीच का गोला है डायरेक्ट रोटर से बनाया है हम, और ये जहाँ फूल बनाए हैं बीच में उसको थोड़ा बटाली से छांटने के बाद उसको ग्राइंडिंग से थोड़ा और हम चाप दिए हैं। और ये जो गोला दिख रहा है बड़ा साइज में, इसी को हम दो तरह का मतलब पार्ट में इसको हम है ना रोटर से बनाया है, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो गोल दिख रहे हैं वो भी रोटर के ज़रिए ही पूरा एक बार में फिक्स कर दिया है, पूरा डीप करके बनाया है दोस्तों। देखिए इसको बटाली से एकदम अंदर तक चाँप देंगे और चाँपने के बाद ग्राइंडर से इसको फिनिशिंग करेंगे। चलिए वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों, ज़रूर कुछ सीख के जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा।
कर रहे हैं आप? इसी को घुमा के पत्ता निकाल रहे हैं। हाय दोस्तों, फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बन के कम्प्लीट और पलंग पे भी इसको सेट कर दिया गया है। वीडियो में भले ही आपको कुछ उतना खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरह का डिज़ाइन बना है रियल में। यहाँ पे सामने मेरे हिसाब से ठीक बना है, वीडियो में पता नहीं क्यों थोड़ा सा अब्जर्व टाइप का दिख रहा है, डीप करके बनाया है। और कैटलॉग में जैसा जो फ़ोटो हमको कस्टमर सेंड किए थे वैसा सेम हमने बनाया है, देखिए। और देखने इसके अलावा एक खास है जो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस मार के रखिएगा, जो कि हम आपको एक लाइन में ही दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके का ये डिज़ाइन जो है सो सेटअप हुआ है और किस तरीके से बहुत आसानी से हमने इसे बनाया है। बस यही जो छोटा छोटा फूल है इसमें हमने बॉल प्रोफाइल रोटर बीट का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों, देख रहे हैं डिप किया हुआ है 1.25 इंच भर का, जिसको 6 सूता कहते हैं, 6 सूता डिप करके हमने इसे बनाया है। फाइनली इस पर पॉलिश का भी काम हो चुका है। फाइनली दोस्तों पॉलिश के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से निखरता हुआ आ रहा है, और टाइम लगा इस डिज़ाइन को बनाने में, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, पहली बार हमने इस डिज़ाइन को बनाया है सागवान लकड़ी में। और पक्का 1.25 इंच डिप करके ये बीच का जो गोल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं 1.25 इंच डिप करके हमने बनाया था इसे। तो उम्मीद करते हैं आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा।